फेरैया। वंस मोर फेरैया। ऑल राइट गाइज, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना पड़ेगा गाइज। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर आना होगा। यहाँ पर गाइज आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे आपको यानी कि मार्क प्रोजेक्ट एंड इफेक्ट प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है आपको दोनों का ही XML एंड प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर जैसे कि आप XML के थ्रू या प्रीसेट के थ्रू प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट किए, अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, अपना वो वाला जो भी प्रोजेक्ट है उसे ओपन करना होगा जो कि है मार्क प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर आपको ना, अगर आप XML यूज़ कर रहे हो तो आपको फाइल सब देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो गैप्स है कुछ और आपको यहाँ पर लेयर सब है। तो अगर आप XML कर रहे हो तो ये सब मिसिंग है, बट प्रीसेट पे ये सब दिख रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इस वाला आइकन पे क्लिक करना होगा, कलर एंड फिल पे जाना होगा, ये इस रिप्लेस का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और गाइज आपको डिस्क्रिप्शन पे ढेर सारा लिंक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ABCDEFG का लेटर सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप ना डिस्क्रिप्शन से इजीली डाउनलोड कर लो लेना, आपको जो भी है जैसे कि ABCDEFGH मतलब जेड तक है, तो आप इजीली यहाँ पर इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर गाइज आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि अपना नेम टाइप करना चाहते हो तो कर सकते हो, हीरो बॉय इस तरफ भी आप कर सकते हो, तो एज को आप इस तरह सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हो एज आ चुका है। अब सी पे आपको कलर एंड फिल रिप्लेस का ऑप्शन पे जाना होगा और आपको जैसे कि ई टाइप करना होगा, हीरो बॉय, या आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना जो भी आप लिखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं ई टाइप करके ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि एच ई एंड इस पर आर दे देता हूँ। तो इस तरह आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एच ई आर वो यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ। अब आपको ये जो गैप सब है, ये गैप सब पे ना इमेजेस इंपोर्ट करना होगा, जिस भी इमेज पर आप वीडियोस बना रहे हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेजेस यूज़ कर लेता हूँ ये वाला, देन थ्री डॉट पे क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना, देन इस मार्क पे जाना, नेक्स्ट जो आपका गैप है उस पे जाने के बाद आपका जो भी नेक्स्ट इमेज यूज़ करना चाहते हो आप उसे कर लेना। थ्री डॉट पे क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया, देख सकते हो गैप इमेजेस गैप एरिया सब पे आप इमेज को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लिया। अब यहाँ पर जैसे कि नेक्स्ट कोई भी इमेज को यूज़ करता हूँ मैं, कुछ फिलहाल मैं ये वाला इमेज को यूज़ करता हूँ, देन थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया और यहाँ पर कट कर देता हूँ। तो देख सकते हो इस तरह आपका हो चुका है। अब यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो चार इमेजेस पर आप यहाँ पर पेस्ट कर चुके। अब यहाँ पर ना आप देख सकते हो यहाँ पर एस है, तो एस के बाद आपको यहाँ पर अपना इमेज देना होगा। तो यहाँ पर कोई सा भी एक इमेज यूज़ कर लेना हो, तो यहाँ पर मैं ये वाला इमेज को कट कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस लेयर को कॉपी लेयर कर लेना होगा और यहाँ पर मैं टाइमलाइन को जूम करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर जाके पेस्ट लेयर करना होगा। और जो पेस्ट लेयर किया है इसके अंदर एक फॉन्ट है, इस फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अभी मैं पेस्ट किया हूँ जस्ट, और टाइम का ऑप्शन पर जाके यहाँ कट कर देना। अब फिर से इस मार्क पर आपको फोटो का यूज़ करना होगा। तो फिलहाल जो भी आप इमेज यूज़ किए उसके बाद इमेज लेयर पर इमेज यूज़ करो, थ्री डॉट पर क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया, फिर पेस्ट लेयर कर दो, फिर टाइम का ऑप्शन पर जाके ये लेयर को छोटा कर दो टाइम के अकॉर्डिंग। फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट इमेज यूज़ करना होगा, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना होगा, फिर टेक्स्ट लेयर को इंपोर्ट करना होगा। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा जो किस तरह आपको यहाँ पर इसे एडिट करना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैं इसे टाइम का ऑप्शन पर जाके कट कर देता हूँ, देन थ्री डॉट पर क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर लो और इसे सेट कर लो इस तरह। अब यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट लेयर करता हूँ और यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट को टाइम का ऑप्शन पर जाकर कट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपका कोई भी इमेज को यूज़ कर लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये वाला इमेज को यूज़ कर रहा हूँ और इधर कट, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया। अब यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पर जाके पेस्ट लेयर कर देना होगा और इस लेयर को इतना दूर एक्सटेंड कर देना होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो इतना करने के बाद दो लेयर आपका रहता है। अब इसके अंदर आप यहाँ पर टाइप कर लेना नेम, तो यहाँ पर मैं इस तरह टाइप कर लिया और इसे आप छोटा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह मैं कर लिया। अब डुप्लीकेट लेयर करना होगा इससे इस तरह, डुप्लीकेट लेयर, और कोई भी एक लेयर को आपको नीचे की तरफ करना होगा, एडिट पे जाना होगा और जो भी नेक्स्ट नेम टाइप करना है आप उससे टाइप कर लेना। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर लिया। अब जो इसे मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूँ और सॉरी, और अबू को भी थोड़ा मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके, मतलब इससे आप मिडिल पे कर लेना। मेन जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो है आपका मिडिल, तो एब्सोल्युटली उससे मिडिल पे रखना लेयर को। तो इस तरह आप सही से
सही से एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो देख सकते हो इस तरह हो चुका है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सेट कर चुका हूँ नेम, और यहाँ पर फोटोज आपको फिल कंपोजिशन एरिया कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पर एडिट पे एस लिखा है तो मैं ए टाइप कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पे जो नेक्स्ट जो लेयर है यहाँ पर बी टाइप कर देता हूँ, आप यहाँ पर बी टाइप कर दो, उसके बाद यू टाइप कर देता हूँ यानी कि अबू, इस तरह अबू टाइप कर दिया। आप अपना नेम भी टाइप कर सकते हो, फिर यहाँ पर एस ठीक है, और यहाँ पर मैं एल टाइप कर देता हूँ एल, और यहाँ पर इस तरह सही है। आप अबू टाइप कर सकते हो या यहाँ पर हीरो टाइप कर सकते हो, एक्टर टाइप कर सकते हो, फेमस टाइप कर सकते हो, बॉय टाइप कर सकते हो, क्यूट टाइप कर सकते हो, मतलब टाइप कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पर कर करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अबू एस एल टाइप कर दिया, मतलब सलीम, अब देख सकते हो अबू सलीम इस तरह आ रहा है। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, फ़ोटोज़ को इम्पोर्ट करना होगा, जो भी आपका नेक्स्ट फोटो है, टाइम का ऑप्शन पर जाकर कट कर देना, थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया। अब फोटोज़ को मिडिल पे इस तरह में कर लेता हूँ थोड़ा, और नेक्स्ट कोई सा अच्छा एक इमेज यूज़ कर लो, और थ्री डॉट पे क्लिक करके मैं फिल कंपोजिशन एरिया कर लिया, नेक्स्ट एरिया पे जाके कट कर लिया। अब देख सकते हो फोटोज़ और ये सब टेक्स्ट भी हो चुका है आपका। अब यहाँ पर गाइज आपको कुछ करना नहीं है, बैक करना होगा, इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा, एंड पे जो ये वाला है इसका इफेक्ट्स को कॉपी करना होगा, जो ये वाला फोटोज़ है इसका इफेक्ट्स को कॉपी कर लो, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स। अब बैक करना होगा, बैक करने के बाद गाइज आपको प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना पड़ेगा, एंड पे जो दो फोटोज़ है ये दो फोटोज़ पे इफ़ेक्ट्स को पहले पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया दोनों इफ़ेक्ट्स को, एंड वाला इस पर देख सकते हो एंड वाला पे कर दिया। अब गाइज आपका जो ये इमेजेस सब है जो आपका स्टार्टिंग पे है इस पर करना होगा, देन जो आपका ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो ये सब है ये चार इमेजेस पे आपको पेस्ट करना होगा, स्टार्टिंग का चार जो भी है देख सकते हो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 और एंड का 2। तो अब गाइज आपको बैक करना होगा, इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा, यहाँ पर इफेक्ट जो है इससे कॉपी कर लीजिएगा, इसका इफेक्ट्स कॉपी कर लीजिए, और ये जो चार लेयर है इसे भी कॉपी कर लीजिए, कॉपी 4 लेयर्स। अब यहाँ पर मार्क वाला प्रोजेक्ट का ऑप्शन ओपन कर लेना होगा, और यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट आ रहा है उसके बाद जो इमेजेस है उन सारे इमेजेस पर आपको ये वाला इफेक्ट्स को पेस्ट करना होगा जो आप अभी कॉपी किए। तो यहाँ पर देख सकते हो जो छोटा छोटा है लेयर सब, उन सारे लेयर्स सब पे जो आपका है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह मैंने पेस्ट कर दिया देख सकते हो। तो देख सकते हो इस तरह आपका पेस्ट हो चुका है। अब गाइज आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे जाना होगा, और गाइज आपको ना डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियोस मिल जाएगा, वो वाला वीडियोस को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल इस वाला वीडियोस को यूज़ करो, और इसका इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाओ, ऐड इफेक्ट पर जाओ, विनियट सर्च कर लेना। विनियट सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लिया, आप सिलेक्ट कर लेना उसका स्टैंडर्ड सेटिंग, और यहाँ पर ना आपको कर लेना पड़ेगा इससे सबसे पहले आपको पंच आउट जो है इसे ऑन करना होगा। पंच आउट ऑन करने के बाद आप इसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 57 या इस तरह रखें 58, और जो फेदर है फेदर को 1000 कर दें। फेदर को 1000 करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करें, फिर कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करें, ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे क्लिक करें, लाइटन पे क्लिक करें, स्क्रीन कर दें। स्क्रीन करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह आपका हो जाएगा, और आपका कुछ वीडियोस बन के रेडी है, और उसके बाद देख सकते हो कुछ इस टाइप से देखने में लगता है सही, और इसका ओपेसिटी भी आप घटा सकते हो, और इस तरह लगता है सही, और एंड पे आप कट कर देना। और यहाँ पर गाइस अगर आप ये फर्स्ट 4 लेयर्स करना चाहते हो तो कर सकते हो, 4 लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना इस तरह होल्ड करके, एंड तक एक्सटेंड कर देना, उसके बाद सारा लेयर को इस तरह फिल कंपोजिशन एरिया, थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया, फिल कंपोजिशन एरिया, एंड लास्ट लेयर को भी फिल कंपोजिशन एरिया। तो देख सकते हो इस तरह आपको एक मतलब HDR इफेक्ट मिल जाता है, और देखने में सही लगता है। इस तरह आप बना सकते हो, ये वाला वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरह बना सकते हो, आई होप आप शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट करोगे, और डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे टैग कर लेना अगर आप अपलोड करते हो तो। और गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और न्यू गेमिंग चैनल वीडियोस आपको बहुत ही जल्द देखने मिलने वाला है।